नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल जी, आप देख रहे हैं रोहतक न्यूज। दोस्तों यहाँ पेट्रोल पंप पे आए हुए हैं, आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप पे यहाँ पे एक ट्रक खड़ा है, बहुत जल्दी खड़ा हुआ है इसका। कुछ लोग बता रहे थे उधर एक्सीडेंट हुआ था 2 किलोमीटर पहले, तो इंश्योरेंस वाला आया, सब कुछ जांच करके ले के गया है। हालांकि ड्राइवर का क्या हालत हुआ होगा दोस्तों, आप तो देख सकते हैं इसमें ड्राइवर का क्या हालत हुआ होगा दोस्तों। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, अभी बेचारा का तकिया अभी वहीं पड़ा है, आप देख सकते हैं ये तकिया है, उसी में ओढ़ना बिछौना, मतलब कहां से कहां पहुंच गया है केबिन यहां से वहां तक पहुंच गया, सीधा उल्टा हो गया है दोस्तों, देख सकते हैं। बेचारा ड्राइवर का क्या हालत हुआ होगा, आप तो इसका स्थिति देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका, कि बेचारा का क्या हालत हुआ होगा। अगर इसमें ड्राइवर खलासी होगा तो मुझे नहीं लग रहा है दोस्तों, भगवान करे कि बच गया होगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा होगा कि बचा होगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल दोस्तों देख सकते हैं क्या करे, यही ड्राइवर का ज़िंदगी है। फिर भी मैं दिखाते दिखाते परेशान हो जा रहा हूँ, लेकिन कोई भी ड्राइवर का इज्जत नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ होगा ड्राइवर का, जो पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया है केबिन। केबिन मतलब बोलिए तो एक एक चीज चिथरा इसका उड़ गया है। इसमें ड्राइवर बेचारा कैसे क्या किया होगा, मैं खुद बोल नहीं पा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ का स्थिति देखने के बाद ना, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट देखने के बाद सच में बोलना क्या बोलें कुछ समझ में नहीं आता है ऐसे स्थिति देखने के बाद। लेकिन आप लोग प्लीज़ दोस्तों ड्राइवर का सम्मान कीजिए, ड्राइवर को इज्जत दीजिए, ड्राइवर का वैल्यू रखिए। खास करके मालिक लोग से मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन ड्राइवर लोग का क्या स्थिति हो रहा है ये आप नहीं समझ सकते हैं। हालांकि देख रहे हैं आँख से, फिर भी आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा है कि ड्राइवर का सम्मान, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं दोस्तों, आप देख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हम ऐसे ऐसे देख सकते हैं। रोड में रहते हैं तो मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ, बहुत डर लगता है। हालांकि ये भी बेचारा किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा, किसी का बाप होगा, तो प्लीज़ आप लोग सम्मान दीजिए ड्राइवर को और आवाज़ उठाइए ड्राइवर पे। हम लोग कितना देखा देखा के थक जाते हैं। तो यही है आज का वीडियो दोस्तों, देख सकते हैं ये हाईवे है झारसुगड़ा से, मतलब संबलपुर से आप बड़गढ़ के तरफ जाएंगे, वहाँ क्या रायपुर मेन हाईवे है, मेन नेशनल हाईवे है, यहीं पर एक्सीडेंट हुआ है। धन्यवाद, नमस्कार।